दुर्गा सप्तशती पाठ चौथा अध्याय। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी उस दुरात्मा महिष के एवं उसकी सेना के देवी द्वारा मारे जाने पर इंद्रादिक देवता गण अपनी वाणियों द्वारा देवी जी की स्तुति करने लगे। जिस देवी जी ने अपनी शक्ति से सारे जगत को व्याप्त कर लिया है, जिसका स्वरूप सभी देवताओं की शक्तियों का समूह है, सभी देवता एवं महर्षि जिसकी पूजा किया करते हैं, उस अंबिका देवी को हम प्रणाम करते हैं। वही देवी हमारा मंगल करे, जिसके अतुल प्रभाव को एवं बल को भगवान शेषनाग, ब्रह्मा तथा हरि भी नहीं कह सकते। वह चंडिका देवी सारे जगत के पालन के लिए तथा अमंगल के भय के नाश का विचार करे। जो श्री स्वरूपिणी पुण्य आत्माओं के घेरों में जो लक्ष्मी स्वरूपा है, पापियों के घरों में दरिद्रता, पवित्र बुद्धि वालों के हृदय में बुद्धि, श्रेष्ठ पुरुषों के यहाँ श्रद्धा, कुलीन मनुष्यों में लज्जा, स्वरूपिणी है, इस प्रकार की है देवी। हम आपको प्रणाम करते हैं हे भगवती, आप विश्व का पालन करें। हे मातेश्वरी, आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों के क्षय करने वाले, आपके महान पराक्रम एवं देवता तथा असुरों के सामने संग्राम में किए गए आपके अद्भुत चरित्रों का वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत का कारण हो, सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों वाली होते हुए भी आप अजय हो। दोषों के कारण हम लोग आपको जान ही नहीं सकते। हम तो क्या विष्णु शिव आदि भी आपका पार नहीं पा सकते। आप सबकी आश्रय हो एवं आप आध्या, अव्याकृता, परा प्रकृति हो। हे देवी जी, सभी यज्ञों में जिसके उच्चारण करने से सभी देवता तृप्त होते हैं, वह स्वाहा एवं पितरों को तृप्त करने वाली स्वधा आप हो। मोक्ष का कारण अचिंत्य महाव्रत स्वरूप हो और संपूर्ण दोषों से रहित सभी इंद्रियों को वश में करने वाले, तत्व को ही सार जानने वाले मोक्षार्थी मुनि जन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप हो। आप शब्द स्वरूपा हो, परम पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं मनोहर उद्गीर के पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आप आधार हो। वैदेत्री देवी हो, छह ऐश्वर्यों से संपन्न आप भगवती हो। सभी शास्त्रों के सार का ज्ञान करने वाली हे देवी, आप मेधा हो। दुर्गम संसार रूप सागर से पार उतारने वाली नौका, शत्रु विष्णु के वक्षस्थल पर निवास करने वाली आप लक्ष्मी स्वरूपा हो एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाली भगवान शंकर से सम्मानित आप ही गौरी हो। यद्यपि आपका मुख स्वर्ण से भी उत्तम कांति से सुंदर तथा परिपूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाली निर्मल मंद मुस्कान से शोभित है, तथापि इस प्रकार के चंद्रमुख को देखकर क्रोध से परिपूर्ण महिषासुर ने झट ही उस पर प्रहार किया। यह एक अद्भुत बात है। उससे भी अतीव अद्भुत एवं विचित्र बात यह है कि जब वही मुख क्रोध से युक्त हो, उदय होते हुए चंद्रमा की भांति लाल था, तनी हुई भौहें अति विकराल थी, ऐसा देखकर महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत नहीं छोड़ दिए। भला कौन होगा जो क्रोधी यमराज को देखकर भी जीवित रह सके। हे देवी जी, आप प्रसन्न हो, आपकी प्रसन्नता से जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने से आप तत्काल ही कितने कुलों का नाश कर डालती हैं। सर्वदा उन्नति दाता देवी जी, आप जिन पर प्रसन्न होती हैं, वे ही देशों में सम्मानित हो धन तथा यश पाते हैं और उनका धर्म भी शिथिल नहीं होता है। आपके कृपा द्वारा ही पुण्यात्मा पुरुष धर्म संबंधी कार्य प्रतिदिन किया करते हैं। आपकी कृपा से स्वर्ग लाभ होता है, इसी कारण आपसे बढ़कर कौन है। सबके लिए उपकार करने वाली हो आप, सर्वदा दयामयी हो। ये राक्षसों के वध करने से जगत सुखी हो। ये राक्षस कभी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही पाप करते रहे हों, संग्राम में इनका वध आपने इसलिए किया कि मुझसे मारे हुए यह स्वर्ग में चले जाएं। यही मन में रख कर हे देवी जी, आप असुरों को केवल देखने मात्र से भस्म क्यों नहीं कर शत्रुओं पर शास्त्रों का प्रहार क्यों कर दिया। इसका भी कारण होकर वह उत्तम लोक में मरकर पहुंचे।
इस प्रकार आपके यह विचार अत्युत्तम है। आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निवृत्त करने वाला है और आपका रूप अचिंत्य है। उसकी अन्य किसी के साथ तुलना ही नहीं हो सकती। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को नाश करने वाला, दैत्यों को नाश करने वाला है। इसी प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया किया करती हो। आपके पराक्रम की तुलना हे देवी किसके साथ हो सकती है? और आपके रूप भी तो परम मनोहर हैं, परंतु शत्रुओं को भयदायक हैं। हे वरदायिनी, त्रिलोक भर में यह आप में ही दिखाई देते हैं। हे देवी जी, शत्रुओं का नाश करके सारी त्रिलोकी को आपने रक्षा की। संग्राम भूमि में उन दैत्यों का विनाश करके उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया और हमारा भय भी दूर कर दिया, जो कि हमें उन्मत्त दानव डराया करते थे। हे माता, आपको नमस्कार है। हे देवी, हमारी शूल से रक्षा करें। हे अंबिके, खांग द्वारा हमारी रक्षा करें एवं घंटा के शब्द तथा धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडिके, पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा से हमारी रक्षा करें। अपना त्रिशूल घुमाकर उत्तर में हमारी रक्षा कीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार देवी की देवताओं ने स्तुति की और नंदन वन में उत्पन्न हुए फूलों तथा गंध चंदन आदि से जगत की माता की पूजा की। सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों द्वारा अर्चना की। तब देवी प्रसन्न मुख होकर उन देवताओं से बोली, हे सभी देवताओं, अपनी अभिलाषा के अनुसार आप सब हमसे वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, आपने तो हमारी सभी कामनाएं पूर्ण कर दी, कुछ भी बाकी नहीं। हमारे इस महिषासुर शत्रु का आपने वध कर दिया, फिर भी यदि प्रसन्नता पूर्वक हमें वर देना चाहती हो तो हे माता, यह वर दीजिए कि जब जब भी हम आपको स्मरण करें, तब तब हमारी बड़ी बड़ी आपत्तियों को दूर करें। हे प्रसन्न बदने मातेश्वरी, जो भी मनुष्य स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करें, उसे वित्त रिद्धि विभव दीजिए। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले, हे राजन, जब देवताओं ने अपना तथा जगत के कारण के लिए इस प्रकार वर मांगा, तब उन्हें तथास्तु कहकर भद्रकाली अंतर ध्यान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी का देवताओं के शरीर से जैसा प्राकट्य हुआ, वह सारी कथा मैंने कह सुनाई। अगला अध्याय अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।